जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसको हम वहां से ही कंटिन्यू करते हैं। जैसे कहते हैं कि डॉक्यूमेंटिंग द स्ट्रेटेजिक एचआर प्लान, अब लास्ट पोर्शन की तरफ है कि वंस द स्ट्रेटजीज फॉर एचआर इन योर ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डेवलप्ड, दे शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन एचआर प्लान। ब्लैक एंड व्हाइट में होना जरूरी है डॉक्यूमेंट करना। अब ये है क्या, दिस इज अ ब्रीफ डॉक्यूमेंट दैट स्टेट्स द की अजम्पशंस एंड रिजल्टिंग स्ट्रेटजीज अलॉन्ग विद हु हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्ट्रेटजी एंड टाइमलाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। बेसिकली रोल्स डिफाइन करके वो बता दिए जाते हैं कि किस किस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी। फिर इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजिक एचआर प्लान, ये लास्ट आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ गए कि वंस द एचआर स्ट्रेटजिक प्लान इज कंप्लीट द नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। एग्रीमेंट विद द प्लान, एंश्योर दैट द बोर्ड चेयर, जो उसके सारे डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजर्स एग्री विद द स्ट्रेटेजिक एचआर प्लान, उन सब के उसके ऊपर दे शुड बी द सिग्नेटरी, उसके विटनेसेस और सिग्नेटरी डिसीजन मेकर्स। इट मे सीम लाइक अ रिडंडेंट स्टेप इफ एवरीवन हैज बीन इन्वॉल्व ऑल द वे अलॉन्ग, बट इट्स ऑलवेज गुड टू गेट फाइनल कंफर्मेशन। मीन टू से कि सिर्फ एचआर के प्लान बनाने में ही आपके सारे डायरेक्टर्स या हायर मैनेजर्स या जो बोर्ड चेयर्स हैं वो इन्वॉल्व ना हो, लेकिन एट द एंड फॉर द वेरिफिकेशन और फाइनल कंफर्मेशन में उनका एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर कम्युनिकेशन इस एचआर प्लान को सब तक बताना भी है। कहता है कि कम्युनिकेशन द स्ट्रेटेजिक एचआर प्लान नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, आप सब लोगों को पता चल जाए विद इन यू नो मिनिमम टाइम। योर कम्युनिकेशन शुड इंक्लूड हाउ द प्लान ट्राइज टू ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल स्ट्रेटेजिक प्लान, किस तरह टाई करता है, किस तरह से वो प्रोटेक्ट करता है आपके स्ट्रेटेजिक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म प्लान को। व्हाट चेंजेस इन एचआर मैनेजमेंट पॉलिसीज या प्रैक्टिसेज एंड एक्टिविटीज विल बी मेड टू सपोर्ट द स्ट्रेटेजिक प्लान, अगर उसमें कुछ चेंजेस करनी है तो क्या क्या चेंजेस वो कम्युनिकेट करना है। हाउ मेनी चेंजेस इन एचआर मैनेजमेंट विल इम्पैक्ट ऑन स्टाफ इंक्लूडिंग अ टाइम फ्रेम इफ अप्रोप्रिएट, के कितनी हमने अगर चेंजेस करनी है स्टाफ में किस तरह से उसका इम्पैक्ट होगा, कितने टाइम के लिए, ये भी अगर 1 साल की डेप्यूटेशन भी किसी को बुलाना है या 1 साल के लिए डाउन स्टाफ करना है तो वो टाइमलाइन भी पता हो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। हाउ ईच स्टाफ मेंबर कैन कंट्रीब्यूट टू द प्लान, हर स्टेक होल्डर्स जो सारे आपके एम्प्लाईज हैं उन सबको पता होना चाहिए कि हम किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे, हमारा क्या रोल होगा। हाउ स्टाफ विल बी सपोर्टेड थ्रू एनी चेंजेस, आपने अगर एचआर प्लान में अगर चेंजेस अप्रूव हुई हैं तो आपके स्टाफ के लिए वो चेंजेस सपोर्टिव होनी चाहिए। हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी डिफरेंट इन फ्यूचर, आपके ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स या कस्टमर्स की डिमांड्स को देखते हुए अगर चेंजेस करनी पड़ती है तो वो, फिर इट इज इम्पॉसिबल टू कम्युनिकेट टू मच बट ऑल टू इजी टू कम्युनिकेट टू लिटल, यू नो व्हेन स्पेशली व्हेन चेंजेस इन्वॉल्व पीपल, हाउ एवर द अमाउंट ऑफ डिटेल शुड वेरी डिपेंडिंग अपॉन द ऑडियंस, यानी ऑल द थिंग्स शुड नॉट बी कम्युनिकेटेड टू ऑल, रेलिवेंट बंदे तक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। आगे है जी लेजिस्लेशन एंड मैंडेट, एंश्योर दैट एक्शंस यू आर कंसीडरिंग आर कंप्लाइंट विद द एग्जिस्टिंग लॉज रेगुलेशंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड बाय लॉज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी चीज तो नहीं आपके एचआर प्लान में जो कि विच इज नॉट अबाइडिंग बाय द यार विच इज नॉट फॉलोइंग द एग्जिस्टिंग लॉज। टू रिव्यूज लॉज रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, ये एक एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन एंड स्टैंडर्ड है, इसको आप स्टूडेंट्स अपनी उसके लिए इंटरेस्ट के लिए या जो आगे LLB या ह्यूमन लॉज की तरफ जाना चाहते हैं तो दे कैन गो थ्रू। फिर ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, वेदर यू आर इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, देर आर इम्प्लीकेशंस फॉर स्पेस एंड इक्विपमेंट एज वेल एज एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज सच एज पेरोल एंड बेनिफिट प्लान। कह रहा है कि अगर आप इंक्रीज करें या डाउन साइजिंग करें
एम्प्लॉयज को कम करें, उसकी इम्प्लीकेशन तो है, एज वेल एज एग्जिस्टिंग रिसोर्सिस सच एज पेरोल एंड बेनिफिट प्लान, कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल नीड है, अगर आप डाउन साइज भी कर रहे हैं तो उसके प्लान के बेनिफिट्स भी तो एम्प्लॉयज को देने हैं। फिर इवेल्यूएशन, एचआर प्लान नीड्स टू बी अपडेटेड ऑन रेगुलर बेसिस, यू विल नीड टू एस्टेब्लिश द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू इवेल्यूएट द सक्सेस ऑफ न्यू प्लान। आपको ये भी तो इंश्योर करना है कि आपका जो न्यू एचआर प्लान है दैट शुड बी सक्सेसफुल। बेंचमार्क नीड्स टू बी सिलेक्टेड एंड मेजर्ड ओवर टाइम टू डिटरमिन इफ द प्लान इज सक्सेसफुल इन अचीविंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। बेंचमार्क सेट करना भी जरूरी है। बेंचमार्क मीन कि देर शुड बी मिनिमम स्टैंडर्ड जिन तक हमारा ह्यूमन रिसोर्स इनकी स्किल्स पहुंचनी चाहिए। तो बेंचमार्क इज ऑल यू नो वेरी इंपॉर्टेंट, वो मिनिमम स्टैंडर्ड जिनको आपके एचआर प्लान ने मीट करना है। तो बहरहाल जी, इनको आप पढ़ें, और इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन आल आई एम वन मैसेज वन कॉल अवे, तो मैं अकॉर्डिंगली आपसे शेयर करता रहूँ।